Click the subscribe button and press the bell icon for more updates. Hello, good evening friends. Myself Naresh Kumar and we are watching Technology Jewel. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बैंकिंग के कुछ रूल्स जो यहाँ पे नए सामने आए हैं, जो हमारे SBI बैंक है, जो वर्ल्ड का जो फेमस बैंक है, और जो वो जितने भी बैंक हैं उन्होंने दोस्तों अपने ATM ट्रांजेक्शन में या बैंक डिपॉजिट या वो उसमें कैश जमा कराते हैं उस पर दोस्तों क्या उस पर नए नियम आए हैं, क्या क्या उस पर हम चार्जेस पड़ेंगे, क्या वो चीज़ है, वो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि SBI बैंक ने जो ATM ट्रांजेक्शन जितनी भी ATM ट्रांजेक्शन करेंगे उस पर दोस्तों जो 25% है वो कह सकते हैं या 25 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात ये है कि वो हमें अलग अलग जो बैंक ब्रांच हैं या अलग अलग ATM ट्रांजेक्शन है उस पर पड़ेगा, क्या उसका प्रोसीजर है वो मैं दोस्तों आपसे आज इस वीडियो में सारी बात शेयर करूँगा। तो दोस्तों पहली चीज़ यहाँ पे है कि अगर आप कोई भी बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आप एक बार करेंगे, दो बार, चार बार अगर तक आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं दोस्तों वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, चाहे वो आप अपने होम ATM ब्रांच से करें, चाहे मेट्रो सिटी से करें, चाहे अदर जो यहाँ पे स्टेट्स हैं उससे करें, तो उस पर दोस्तों आपको कोई चार्ज नहीं दिया जाएगा। अब बात यह है कि अगर चार ट्रांजेक्शन के बाद अगर आप ATM में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसका क्या बेनिफिट है, क्या उसका डिसएडवांटेज है? दोस्तों उसका बेनिफिट तो वही है, उसका डिसएडवांटेज ये है कि आप अगर उसके बाद कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपसे बैंक वाले हैं जो वो 25% जो रुपीज़ कह सकते हैं 25 रुपीज़ आपसे एक्स्ट्रा देंगे, वो यहाँ पे उनका जो चार्ज होगा वो हर ATM ट्रांजेक्शन चार बार की ATM ट्रांजेक्शन के बाद आपको 25 रुपीज़ उनको देना पड़ेगा जो बैंक के अकाउंट में सीधा चला जाएगा। तो दोस्तों दूसरी यहाँ पे बात आती है वो है कैश डिपॉजिट की। दोस्तों कैश डिपॉजिट में मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर तो आप 10,000 रुपये बैंक में जमा कराने जा रहे हैं तो दोस्तों उस पर आपको 0.25% एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा, प्लस आपका सर्विस टैक्स या सर्विस सेस जो भी उसके साथ एक्स्ट्रा बनता है वो आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि गर्मी बहुत है, पसीना बहुत आ रहा है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हो सके तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि मैं आपको आखिर में जो ये जितने भी मैं आपको ट्रांजेक्शन के नए नए जो रूल्स बता रहा हूँ उससे दोस्तों आप कैसे अपना जो टाइम रिड्यूस कर सकते हैं या अपने मनी सेव कर सकते हैं उसके मैं आपको 4-5 पॉइंट्स आखिर के वीडियो में बताऊँगा, तो आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं अगली बात कहूँ तो दोस्तों अगर आप 2,000 रुपये बैंक में जमा कराते हैं तो उस पर दोस्तों आपका जो टैक्स है, सर्विस टैक्स और जो चार्जेस हैं वो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इस केस में होता है कि आप जो पैसे हैं वो दोस्तों कम जमा करा रहे हैं, तो दोस्तों कम पैसे जमा कराने का जो बैंक है आपसे वो टैक्स ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ पर 2.5% मैं आपको कहूँगा कि एक्स्ट्रा चार्ज दिया जा रहा है, प्लस उसके साथ आपको सर्विस टैक्स भी देना पड़ेगा। दोस्तों तीसरी बात यहाँ पे आती है कि विड्रॉल्स की। तो विड्रॉल्स में अगर दोस्तों आप जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर तो आपने ATM ट्रांजेक्शन चार बार से अधिक अगर आप कर रहे हैं, पांच ही बार कर रहे हैं, तो उस केस में अगर भी बैंक की तरफ से शोर नहीं है कुछ, कई जो मैंने वेबसाइट से या कई इंटरनेट से मैंने देखा है कि कई वेबसाइट और इंटरनेट पर लिखा है कि 25 रुपीज़ भी पड़ सकता है, 50 रुपीज़ मैक्सिमम आपको चार्ज पड़ सकता है यहाँ पर। तो दोस्तों अगर तो आपका बैंक जो है वो होम ATM ब्रांच है, आप वहाँ से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं चार बार से ज़्यादा है, तो उस केस में दोस्तों आपको 10 रुपये पड़ेंगे, 25 या 50 के बजाय आपको 10 रुपये वहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये आपका जो ये एडवांटेज है कि आपका होम ATM ब्रांच है तो आप वहाँ पे जाकर ट्रांजेक्शन करें। तो चौथी बात दोस्तों यहाँ पर आती है कि चेक बुक इशू का। दोस्तों चेक बुक इशू का यहाँ पर एक बहुत सरल यहाँ पे अगर या सरल कह सकता हूँ मैं यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है कि चेकबुक आप भी आप अपने ATM से या अपने बैंक से लेंगे तो दोस्तों उस पर भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके भी दोस्तों आगे कुछ मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स में है कि अगर तो आपकी जो चेकबुक है वो 10 लीव्स है, उसके ऊपर 10 लीव्स हैं, 10 लीव्स दोस्तों आपको अगर आप बैंकिंग के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानते हैं तो आपको दोस्तों ज़्यादा पता होगा, क्योंकि मैं मुझको यहाँ पर इतना पता नहीं है, मैंने यहाँ पर इंटरनेट पर देखा है कि जो हमारे जो बैंक की चेकबुक मिलती है वहाँ पे जो फ्रंट पेज होता है पहला पेज उस पर लिखा होता है कि 10 चेक्स, 30 चेक्स या ऐसा कुछ लिखा था, वो मैं आपको वीडियो के आखिर में स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 10 जो लीव होगी उसके अनुसार आपको उसको 10 × 3 करते तो आपको 30 रुपीज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा लगेंगे।
अगर आप 50 रील्स वाली चैट बुक इशू करेंगे तो उस केस में आपको 15 रुपीज 150 पड़ेगा, अगर 25 होगा उस केस में आपको 175 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दोस्तों अगली जो बात यहाँ पे आती है कि अगर तो आप बैंक में नोट जमा करा रहे हैं, कोई मनी जमा करा रहे हैं, या ATM से कुछ भी आप कुछ कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर तो आपका कोई जो नोट है, जो आपका नोट है या नोट का कोई भी पीस है, वो दोस्तों कहीं से ऐसे से फटा हुआ है या कहीं पर कुछ भी स्पॉइल्ड है, तो दोस्तों उस केस में भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे बैंक वाले आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। वो अभी दोस्तों यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया, वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो अगली बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि दोस्तों जब आप बैंक से जो ATM कार्ड है, ATM कार्ड भी आप इशू करेंगे तो उस केस में भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। जितने भी SBI है, HDFC बैंक है, जितने भी और बड़े बैंक है, उस केस में दोस्तों आपको ATM कार्ड इशू के कुछ ना कुछ चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक जो मेन एडवांटेज है वो दोस्तों यहाँ पे रुपये कार्ड का आया है कि अगर आप रुपये कार्ड जो है वो बैंक से इशू कराते हैं तो उस केस में दोस्तों आपको कोई चार्ज नहीं देगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। दोस्तों आखिर में यहाँ पे बात आती है कि कौन से वो चार या पांच ऐसे तरीके हैं कि जिनकी मदद से दोस्तों हम अपने जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, जो ATM ट्रांजैक्शन, उसको रिड्यूस कर सकते हैं और अपना जो मनी और टाइम सेव कर सकते हैं। दोस्तों पहली यहाँ पे बात आती है कि अगर तो आप दोस्तों कहीं बाहर शॉपिंग करने जा रहे हैं या अपना ATM आपने साथ लिया है और बाहर से आपने का मूड है कि आज हम यहाँ से शॉपिंग करेंगे, दोस्तों उस केस में आप अपना जो ATM कार्ड है वो दोस्तों सीधा ATM जो ब्रांच होती है वहाँ पे जाके स्वाइप करने से बेटर है कि आप शॉपिंग कोई ऐसी जगह पे करें या ऐसी कोई शॉप से करें जहाँ पे जो स्वाइप कार्ड रीडर मशीन होती है वो वहाँ पे लगी हो। क्योंकि आजकल बहुत दोस्तों देखने में आ रहा है कि जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो ब्रांड शॉपकीपर्स होते हैं या बड़ी दुकानें होती हैं वहाँ पर दोस्तों वो वेंडर्स होते हैं, उन्होंने दोस्तों जो कार्ड रीडर्स जैसी मशीनें रखी होती है उस पर आप अपना जो ATM कार्ड होता है वो डायरेक्ट स्वाइप कर सकते हैं और अपना दोस्तों जो पेमेंट्स है वो ऑनलाइन आप वहाँ से भुगतान उसका कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात यहाँ पे आती है कि इस चीज़ से ज़्यादा बचने के लिए ट्रांजेक्शन, ATM ट्रांजेक्शन, बैंक ट्रांजेक्शन ज़्यादा बचने के लिए अपने जो आपका जो पेमेंट होता है वो दोस्तों उसको ऑनलाइन ज़्यादा करिए और उससे आपका जो टाइम भी सेव होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपका जो भी पेमेंट है वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से हो, आपको ATM जो होगा वो ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े और बैंक ना जाना पड़े। तो दोस्तों तीसरी यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे विड्रॉल्स की बात आती है, उसके अंदर दोस्तों आप ज़्यादा जैसे आपकी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे बैलेंस इंक्वायरी है, मिनी स्टेटमेंट्स है, उसकी तरफ दोस्तों आप ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि उसके अंदर दोस्तों आपको मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी मिल जाती है और उसकी जो एंड्रॉयड ऐप वगैरह आ जाती है, तो उससे भी आप अपना ऑनलाइन जो पेमेंट है वो दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं, उससे आपका टाइम और मनी दोनों यहाँ पे सेव होंगे। तो चौथी यहाँ पे बात आती है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रखा है। जैसे मैं पहले आपको कह चुका हूँ कि आप बैंक की जो ऐप होती है वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें नेट बैंकिंग के, ऑनलाइन बैंकिंग के सभी फीचर्स हैं, जिसका फ़ायदा सबसे बड़ा है कि आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, ATM नहीं जाना पड़ेगा, आप अपना ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है वो दोस्तों घर बैठे कर सकते हैं। तो वीडियो आई होगा आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।